टू क्लास बेटा आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इफ y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइंड d पावर बाय dx. ये y दी है x की पावर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. तो देखो मैं इसको अलग से ले लेती हूँ. अब इजी बनाने के लिए वेरिएबल पर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम लॉग ले लेते हैं. तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर क्या बनेगी, e की माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये बना लॉग y इज इक्वल टू लॉग m की पावर n, एन नीचे e की माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ गया इंटू लॉग x. अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, देखो लॉग y की तो होगी 1 बाय वाई डी बाई डी एक्स, इधर u इंटू v लगेगा, ये हो गया 1 बाय वाई डी बाई डी एक्स. अब u इंटू v लगना था, u है हमारे पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा इंटू v. v कितना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, log x की आएगी 1 बाय एक्स प्लस v, v मीन log x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, क्या आएगी e की माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसे रहेगा इंटू इसकी पावर की माइनस टू एक्स, ये इसकी डिफ्रेंशिएशन हो गई. अब देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई उधर ले जाते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है e की माइनस एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या 1 बाय एक्स प्लस माइनस हुए माइनस, टू एक्स भी बच गया लॉग एक्स भी बच गया. तो y की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में दी थी वही लिख लेते हैं, x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e की माइनस एक्स स्क्वायर. आप एलसीएम लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो आप इतना भी रहने दो तब भी आंसर ठीक है. ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स. अगर आप वाई को एंड में चेंज नहीं करते हो एक्स में तो इसका हाफ मार्क्स जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर. देखो मैं यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, यहीं से स्टार्ट करते जो गिवन था, बिकॉज एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई. नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, क्योंकि वेरिएबल पर वेरिएबल आ गया ना, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस वाई. अब log x इज इक्वल यहाँ पे ये देखो log m की पावर n है, y आगे आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू ऐसे ही x माइनस वाई भी आगे आ जाएगा इंटू log e, और log e हमारे पास कितना होता है 1, log e 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ पे हम लोग करेंगे u इंटू v. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद, पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं. y इंटू log x इज इक्वल टू ये तो 1 हो गया, x माइनस वाई, y वाले एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, y प्लस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन निकल गया 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो y कितना निकला, ये इसके नीचे चला गया x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स. अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब क्योंकि डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी हो गई विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये लगेगा u अपॉन v का फॉर्मूला, क्या आएगा v स्क्वायर v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, x की डिफ्रेंशिएशन कितनी होगी 1, माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, 1 की तो 0, log x की 1 बाय एक्स, ये हो गया कैंसिल, और हमारे पास बचा 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्केयर, 1 से 1 हो गया कैंसिल. तो हमारे पास जो है d by by dx कितना बचा, आंसर जो है वो है d by by dx is equal to log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यही हमें आंसर चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0. अब देखिए y इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है 1 बाय 2. तो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनेगा, आपने ऐसे किया भी है पहले, लेकिन इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, लॉग लेके दोनों मेथड से कर सकते, किसी भी मेथड से कर लो, ये लॉग से क्या होगा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा. टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड जब लॉग लोगे ये बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स उसकी पावर कितनी है 1 बाय 2. तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन, एन नीचे तो 1 बाय 2 इधर आ गया लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, इधर लॉग वाई इज इक्वल टू 1 बाय 2, यहाँ फॉर्मूला लगेगा log m अपॉन n का, क्या होता है log m माइनस log n, तो ये बनेगा log m माइनस log n log 1 प्लस x. तो बस अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, अब क्वेश्चन हमारे पास इजी हो गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय y, y की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी d बाय dx,
वन बाय टू बाहर है, अब लॉग के साथ है वन अपॉन वन माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट की डिफ्रेंसिएशन कितनी है माइनस वन, क्योंकि वन की तो जीरो हो गई, माइनस एक्स की माइनस वन, माइनस ये भी लॉग के साथ वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट की डिफ्रेंसिएशन वन की जीरो और एक्स की वन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन टू, और एलसीएम लीजिए नीचे, यहाँ पे दोनों इकट्ठे होंगे, नहीं लेना तो आप तब भी खत्म रहने दे सकते हो, आपकी मर्जी है। हम माइनस बाहर निकाल ही लेते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस निकल गया तो ये नीचे बनेगा वन अपॉन, रहने दो आप एलसीएम रहने दो, यह वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स। अब वाई हमारे पास कितना था, वन बाई टू बाहर लिख लेते हैं, रूट कितना वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और इधर हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है वो बनाना है हमें, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, तो देखो इधर चला गया वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ये आ गया इतना, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये बना माइनस वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और ये बना टू अपॉन नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, टू से टू कैंसिल हो गया, और ये डी बाय बाय डी एक्स है। हम इसको इधर ले जाते हैं, वन माइनस एक्स स्केयर डी बाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये तो पूरा वाई के इक्वल है, वाई आ गया, जैसा आंसर चाहिए वैसा बनाओ, इसको इधर ले आओ, वन माइनस एक्स स्केयर डी बाय बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट्स ऑल बेटा।